हाय गाइस, तो सबसे पहले तो मेरा बिल्कुल ऐसा दिल नहीं करता ये सब वीडियोस बनाने का, पर जब सब अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो मैं भी बोल देती हूँ। एक क्लैरिटी देनी थी कि मेरा और फमान का गाना एक मेरी तरफ से आने वाला था, जो निसार को भी शूट है। एक हमने काफ़ी वेल नोन सिंगर का ही गाना लिया था और हमने ताबिश के गाने को प्रायरिटी नहीं दी थी, इस गाने को दी थी, इसलिए इस चक्कर में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। और मेरी फैमिली पर अभी बातें आ रही है तो वो सुनना बहुत मुश्किल है, लोगों को पता है। बिलीव नहीं है तो जाके आप आतिफ सर से पूछ लें, आतिफ सर ये गाने को डायरेक्ट करने वाले हैं। और गाना अभी भी शूट होना है, 19 को शूट होगा गाना। अभी कुछ लोगों ने बैकआउट कर दिया है गाने से, ठीक है, अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ठीक है, बस ये बोलना था कि फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, तो प्लीज़ मेरी फैमिली को मत घसीटो यार। जाहिर सी बात है कि सुम्बुल ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पापा पर कि वो फहमान के साथ उसकी जोड़ी को तोड़ना चाहते हैं, वो गलत है। सुम्बुल ने ये साबित कर दिया कि अगर कोई उसकी फैमिली पर, परिवार पर उंगली उठाएगा, कीचड़ उछालना चाहेगा, तो वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं सहने वाली। आप जानते ही हैं कि टीवी धमाका ने आपको बताया कि कैसे सिंगर तबिश पाशा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। आप एक बार फिर से देखें वो वीडियो आखिर क्या था। हाय एवरीबॉडी, ये वीडियो सुम्बुल और फहमान के फैंस के लिए है, जो कि सेकंड वीडियो में उन्हें देखना चाहते थे, जो प्लानिंग चल रही थी, गाना वाना सब बना लिया था। तो अभी वी हैव ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश की और फहमान ने भी कोशिश की कि ये वीडियो बन पाए, पॉसिबल हो पाए चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पा रहा है। जो सुम्बुल के जो फादर हैं तौकीर जी, तो वो नहीं चाहते कि ये जो ट्रायो का वीडियो है, सुम्बुल का, फहमान का और मेरा, ये जो आने वाला था, कि ये पॉसिबल हो पाए। जाहिर सी बात है कि तबिश की इसी बात से नाराज़ होकर सुम्बुल ने ये साफ कर दिया है कि अगर तबिश उनके पापा पर उंगली उठा सकते हैं, तो सुम्बुल ने भी ये साफ कर दिया कि तबिश ने उनके उस प्रोजेक्ट से सिर्फ इसीलिए बैकआउट कर दिया क्योंकि फहमान और सुम्बुल ने तबिश का नहीं किसी और का गाना चुना। और सुम्बुल को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि तबिश ने उनके पापा पर उंगली उठाई। आप क्या कहेंगे, कमेंट ज़रूर करें।